आज हम पहली बार दोस्तों स्टेडियम में हॉकी का एक लाइव मैच देखने आए हैं। यहाँ ओमान में हॉकी के ओलंपिक क्वालिफायर्स हो रहे हैं। वैसे इतनी पास से देखना बहुत ही इंटेंस लग रहा है, बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। जर्मनी वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वर्सेस चाइना, दो मैचेस हैं आज, आइए देखते हैं। स्टेडियम में अभी अभी हम आए हैं, बड़ा ही खाली खाली सा एरिया है, पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ ये हॉकी का स्टेडियम, और इंटरेस्टिंगली इसके दूसरी तरफ क्रिकेट का स्टेडियम है वहाँ, लेकिन हम जाएंगे आज हॉकी देखने। फाइव्स हॉकी वर्ल्ड कप ओमान 2024 में कुछ ही दिनों बाद शुरू होएगा, लेकिन अभी जो मैचेस हो रहे हैं वो ओलंपिक के क्वालिफाइंग मैचेस हैं। ये जो फील्ड आप यहाँ देख सकते हो, हॉकी फाइव्स की फील्ड है, फील्ड हॉकी की नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली में ओमान की नेशनल हॉकी टीम ट्रेन कर रही है हमारे सामने, क्योंकि ओमान टूरिज्म ने हमें इनवाइट किया, इसलिए ये इतना इंटरनल एक्सेस मिल पा रहा है। स्टेडियम में मैच देखने के अलावा हम वेन्यू को भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्लेयर से भी मिल सकते हैं। नेशनल एंथम ऑलरेडी शुरू हो गया है, और यूली को जर्मन वाला पहचान में आता है, तो जर्मन नेशनल एंथम चल रहा है। अब जल्दी से, ओ वाओ, लुक्स सो कूल। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के हम मैच देखेंगे। क्या नज़ारा है, मतलब मैच तो है ही, लेकिन उसके पीछे का नज़ारा देखो, क्या जबरदस्त लग रहा है। जस्ट शुरू होने वाला है बिल्कुल ये। ऑलरेडी एक गोल हो गया है पहले मिनट में, लिटरली पहले मिनट में। न्यूजीलैंड इज ब्लैक, जर्मनी इज व्हाइट। जर्मनी इज गोना लूज बिकॉज इन जर्मनी फुटबॉल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट। ये वाला वीआईपी सीटिंग एरिया है, कुछ सीटिंग यहाँ है कुछ वहाँ है। इस तरफ जहाँ फील्ड हॉकी हो रहा है, वही दूसरी तरफ स्टेडियम बना है हॉकी फाइव्स का, जो शॉर्टर फॉर्मेट है हॉकी के गेम का। ओके, लेट्स सिट हियर एंड वॉच द मैच नाउ। यहाँ पर कई सारे देशों के झंडे आप देख सकते हो, पाकिस्तान, यूके, मलेशिया, जर्मनी, यहाँ पे चाइना, कनाडा, लेकिन इंडिया का झंडा नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। उन्होंने बताया पिछले एशियन गेम्स की वजह से इंडियन टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है ओलंपिक्स के लिए, इसलिए इंडिया ये क्वालिफाइंग मैचेस खेलेगी नहीं, ये बाकी टीम्स खेल रही हैं, और इन टीम्स में से तीन टीम्स क्वालिफाई करेंगी ओलंपिक्स के लिए, जो ओलंपिक्स पेरिस में होगी इसी साल समर्स में। We're so close, we can really hear the players yell at each other. The Mission Impossible music is playing. That really makes it suspense. Oh my god. If I was the goalkeeper or the person taking the penalty, oof, this music would just... Now the question is, which team are you cheering for? Who do you support? My team is already winning, New Zealand. Are you serious? I choose the winning team always. No, wait a second. So once again, I'm asking you, which team are you supporting? I support New Zealand. Okay, third time, I'm asking you, which team are you supporting? I support Germany. Oh, that's so nice. हॉकी मैचेस को देखने में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्रिकेट और फुटबॉल के जो स्टेडियम्स होते हैं वो ज़्यादा ही बड़े होते हैं, यहाँ स्टेडियम छोटा सा है, फील्ड उतनी बड़ी नहीं है, तो बड़ा पर्सनलाइज सा लग रहा है देखने में, क्योंकि एक एक चीज़ जो एक एक प्लेयर बोल रहा है वो हमें सुनाई दे रही है यहाँ पे। Actually funny how padded the goalkeepers are. It really is heavy padding. Even the hands. First quarter khatam hua hai abhi. 15 minute ka ek quarter hota hai, aur lekin 2 minute ki break hai first aur second quarter ke beech mein. Ab players apni strategies discuss kar rahe hain. Main itna zoom kar sakta hu ki क्योंकि हम इतनी पास खड़े हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी लिटरली मैं देख सकता हूँ क्या स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं ये यहाँ पे। नाइस स्ट्रैटेजी। ये एक वीआईपी कमरा है जहाँ पे थोड़ा खाना वाना रख रखा है और खाना खा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि जब आप इस वीआईपी कमरे में आते हो तो ना सिर्फ ये वाला स्टेडियम दिखता है बल्कि दूसरे वाला स्टेडियम भी दिखता है यहाँ से, हॉकी फाइव्स वाला, और दोनों तरफ बैकग्राउंड में पीछे पहाड़ियाँ हैं यहाँ भी और वहाँ भी। क्या जबरदस्त लोकेशन पे ये बना रखा है स्टेडियम। एक बार फिर से ये कॉर्नर है, मुझे पता नहीं एक्चुअली में हॉकी में क्या बोलते हैं इस चीज को, और गोल। जर्मन फैंस भी आए हुए हैं यहाँ पर, जर्मनी से लगता है। न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं दिख रहा। Maybe I underestimated the German team. I thought they would be completely destroyed. लेकिन अब स्कोर 1-1 हो गया है,
न्यूजीलैंड की तरफ से इतना सपोर्ट शायद इसलिए नहीं क्योंकि न्यूजीलैंड का देश थोड़ा दूर है, यहाँ तक लोगों के लिए आना काफ़ी मुश्किल होता होगा। क्या झगड़ा हो गया? कुछ झगड़ा हो रहा है। टू? व्हाट हैपेंड? अभी तो जीरो था एग्जाम से टू हो गया। स्कोर बोर्ड बदलने वाला जो बंदा है ना वो थोड़ी नो नाउ इट्स वन नाउ इट्स वन दैट मेक्स सेंस आई थिंक दैट्स व्हाई द प्लेयर्स फ्रीक्ड आउट। एक और मौका जर्मनी के पास गोल करने का, बॉल आई और एक और 2023 में पिछला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भुवनेश्वर में अगर आपको याद हो तो, और जर्मनी उस वर्ल्ड कप को जीती थी। तो ये जर्मन टीम कोई कमजोर जर्मन टीम नहीं है, ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। Yeah, they're actually pretty good. I really underestimated. सबसे इम्पोर्टेंट वीआईपी यहाँ पर वीवीआईपी की वीवीवीआईपी यहाँ पर मैच देख रही है, बिल्कुल सेंटर में सीट मिली हुई है। नहीं लेकिन नज़ारा बहुत ही अच्छा है यहाँ से, कितना इंजॉयबल है यहाँ से मैच देखना क्योंकि पीछे का व्यू देखने में भी क्या मजा आता है। So all the professional cameras are over there and over there also. There. सेकेंड क्वार्टर खत्म होने में 4 सेकंड बचे हैं और देखना अभी विसल बज जाएगी, बज गई विसल। 2 और क्वार्टर बचते हैं मैच के और स्कोर है अभी जर्मनी 2-1। You can see how they are wetting the field. There's water everywhere and sometimes you can see it when they play that there's water splashing. यहाँ ऊपर कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, देख सकते हो आप। Oh really? Is that the German coach? Yeah. Oh yeah, true. Half time में थोड़ी जगह बदल के देखते हैं, किसी और एंगल से देखते हैं मैच, पास जाके नीचे से कितना पास से देख सकते हैं। हॉकी फाइव्स का वर्ल्ड कप अगर आप ओमान में देखना आने चाहते हैं तो 24 से 31 जनवरी के बीच में होगा। इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, नीचे से देखते हैं कैसा दिख रहा है। स्टेडियम की लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं, जैसे जैसे सनसेट पास आ रहा है। ग्रीन एरिया में हम रह सकते हैं इन्होंने कहा। ये तो बहुत ही क्लोजअप है मैच का व्यू, बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा है इतनी पास से देखना मैच को। किसी भी मैच को इतनी पास से नहीं देखा और अब तो एक एक शब्द जो दोनों टीम के प्लेयर बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। Pretty scary to stand so close to them because they hit it quite hard and up there is where we sat before, that's the VIP area. न्यूजीलैंड के पास अब एक सही में मौका है गोल स्कोर करने का और रह गया। न्यूजीलैंड वाले भी हैं फैंस, मतलब तालियां बज रही है न्यूजीलैंड के लिए। स्कोर लेवल हो गया है, बड़ा ही थ्रिलिंग मैच चल रहा है। So that's what happens when it takes you 3 tries to support the right team. Now it's a tie, even though we were leading, and I blame you. Such a big fan of the German team. Can we name of a single player? Müller is there? Yes, sir. Every German sports team, no matter which kind of sports, has a Müller. It's one of it's like Singh, for example. Yeah, it's like one of them. It's a very common surname. Odisha, India's best kept secret ad लगी हुई है क्योंकि obviously India में अगर hockey को किसी state ने सबसे ज़्यादा promote किया है तो वो यही state है। पाँच मिनट बचे हैं मैच में और जो 5-6 फैन आए हुए हैं जर्मनी के डॉचलैंड के नारे लगाने लग गए हैं और मैच बड़ा इंटेंस हो रखा है। स्कोर अभी भी लेवल है 20 सेकंड, क्या होगा 20 सेकंड में? और अब इन्होंने कॉल कर दिया, मैच खत्म हो गया। मैच एट द एंड इट डिडंट मैटर हु वी सपोर्टेड बिकॉज़ बोथ वन यू और मे बी जर्मनी जस्ट नीडेड अ लिटिल बिट मोर सपोर्ट। अगला मैच ऑलरेडी आधे घंटे में शुरू होने वाला है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा क्योंकि ये मैच है
पाकिस्तान और चाइना के बीच में. Ooh, who should we support? वो देखो पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी जॉग कर रही है यहाँ पे. It's a very difficult question who to support, huh? Yeah. Ooh, I just find it funny that you're wearing green today. but I have my red sunglasses though. Your red sunglasses? Yeah, so that might mean China. I think whichever team you support, you can only go wrong. It will only create controversy. It will only create controversy. You can see the Chinese team is also warming up. Oof. They're practicing. That's how you warm up also, yeah. That's so cool. But I think we have also a lot, not a lot, but a few viewers from Pakistan always. So for them, it might be nice if Pakistan wins. I don't think we have any viewers from China. Dono team ke players yahan par ready hain field mein aane ke liye. Bada hi close up ek bar fir se view dikh raha hai. सबसे पहले पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है और अब चाइनीज नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा है और ये मैच शुरू हो गया है. पाकिस्तान के सपोर्टर्स बड़े ही प्रोएक्टिव, कुछ बच्चों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए. बच्चे बहुत बहुत एक्साइटेड हैं. याद है यार. तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक स्कोर 0-0 पर ही है. आगे का मैच हम देखेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है हमारे लिए और एक मैच हम ऑलरेडी देख चुके हैं. लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इन मैचेस को देखने में तो हॉकी 5 का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, ओमान में आके आप भी देख सकते हो. और जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हॉकी के मैचेस को देखना फुटबॉल और क्रिकेट के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टेडियम में बैठकर आप कहीं ज़्यादा और पास होते हो प्लेयर्स के, तो लिटरली प्लेयर्स की बातें सुन पाते हो और क्लियरली देख पाते हो इतने पास से. और इस वर्ल्ड कप के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप एक टिकट खरीदो मॉर्निंग या इवनिंग की तो उस टाइम में जितने भी मैचेस हो रहे हैं सबको आप देख सकते हो. और टिकट का प्राइस भी आप यकीन नहीं करोगे कितना है, सिर्फ 1 ओमानी रियाल. सही सुना आपने, सिर्फ 1 ओमानी रियाल की एक टिकट है मॉर्निंग या इवनिंग पास का आपको मिल जाएगा इसमें. तो अगर ओमान घूमने आ रहे हो तो डेफिनेटली ये तो करना ही करना.